अभी तो काफी फर्क है, डायलिसिस से बाहर आ गए हैं ये जी। प्रेग्नेंट का जो प्रोटोकॉल है वो रिड्यूस हो गया है पहले से, पर इनको और भी चेंजेस नजर आएंगे जी। नमस्कार दर्शकों, क्या नाम है पेशेंट का? विवेक बाला नैयर, दिल्ली लाजपत नगर। जब आए थे तो क्या प्रॉब्लम हो रही थी? इनका क्रिटिमैन काफी बड़ा हुआ था, 4 point something था कुछ, और आज की डेट में 3.1 है। अच्छा। ब्लड यूरिया भी ज्यादा था जी, लगभग 99 था और आज के समय 84 है। फिजिकली भी काफी दिक्कत आ रही थी। फिजिकल भी दिक्कत थी जी। अब क्या दिक्कत हो गई बताएं, खुल के बताएं। फिजिकल में थोड़ी चलने में प्रॉब्लम थी, आज खुद चल के आई है, पहले नहीं आता था आपसे मेडिसिन लेने, बट आज खुद आएंगे चल के। मुझे पहले तो काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी इनको। जी पहले दिक्कत थी जी, जी स्वेलिंग भी हो जाती थी, अब स्वेलिंग नहीं है पाँव में, नहीं है। पहले सूजन आ रही थी जी। तो पहले से तो काफी फर्क है, पहले से काफी फर्क है जी। तो क्या बताया था डॉक्टर ने लाजपत नगर में जब आपने दिखाया था, उस समय क्या बताया था? उस समय मेडिसिन चल रही थी बट उनसे क्रिटिनाइन आगे प्लस ही हो रहा था जी। तो आपका मैंने यूट्यूब पे देखा था प्रोग्राम, तब मैंने एक बार फोन किया, तब उन्होंने मुझे डेट दी, मैं आया था यहाँ, फिर आपने मुझे मेडिसिन दी, पहले 3 months की दी, फिर उसके बाद अभी तो काफी फर्क आया है। अब फर्क है जी काफी। तो पहले वाली रिपोर्ट दिखाएं, क्रिएटिनिन का 5 के आसपास था ना? जुलाई में 4.1, इससे पहले वाली में मैं लाया जी, उसमें ज्यादा थी, 5.2 के लगभग 5.2 था जब आप आए। हाँ जी 5.2 ही है लगभग जी। हाँ जी, उसका फिर 4.1 हुआ, 4.1 हुआ, फिर उसके बाद ये हो गई जुलाई, ये हो गया, ये आज की रिपोर्ट है जी 3.1। दिखाओ सामने, 3.1, 5.2 से क्रिएटिनिन लेवल 3.1 आया है। विवेक बाला नैयर इनकी माता जी हैं जी, पेशेंट हमारे बीच में मौजूद हैं। और पहले से ठीक लग रहा है ना माता जी? आप बताओ। ठीक है, ठीक है ना, लगे ना? खाने पीने में सुधार है ना, ठीक लगता है ना? खाने पीने में दिल उदास हो जाता है जब एक ही चीज। हाँ बट पहले से काफी फर्क है, सारी फैमिली 10 चीजें खाएंगी, मैं वही सारी फैमिली का भी बंद करा दो, आप उनका भी वही करा दो खाना पीना, वो कर ही लिया, आप मत खाना। लेकिन मेरा दिल करता है कि दही की कटोरी खाऊं, दही नहीं खा सकती, बड़ा कभी कभी ना ये पेट में ऐसे आग सी लगती है, मैं कुछ ठंडा खाऊं, तो ठंडा क्या खाऊं, ठंडा तो है ही नहीं। भाई आपको थोड़ा सा अलाउ कर देंगे, वो मैं बता देता हूं कितनी क्वांटिटी में आप ले सकते हो। हाँ कभी कभी मन करता है, कभी कभी बड़ा दिल करता है, कभी कभी कोई ठंडी चीज पीऊं, पीना भी कुछ ठंडा नहीं है तो क्या पीऊं मैं, बड़ा कैसे दिल करता कोई। अभी तो ये है कि आपको डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ी है जी, ये एक बहुत बढ़िया चीज है कि डायलिसिस आपको नहीं कराना पड़ी, और आप खुद चलकर आए हो, पहले तो मतलब बेड पे ही ज्यादा रहती थी। हाँ जी। नहीं पहले जिस डॉक्टर हकीम का करती थी ना, वो कहते थे कि हफ्ते में एक बार थोड़ी सी लस्सी ले लेकर जो वो हल्का ले रही थी, रोज नहीं थी, दूसरे तीसरे दिन जरा गर्मियां जब थी ना जी, मई जून में ज्यादा गर्म होती है, या फिर कभी कभी कोई चीज ठंडी खा पी लेती थी, जैसे कोई दिल कोई उदास होता था, कैंपा कुंपा तो नहीं थी वो, क्या ऑरेंज वगैरह ना, कभी वो तो मैं आपको बता दूं खाने पीने का आपको क्या फॉलो करना है। ठीक है, वो मेन चीज ये कि डायलिसिस से आप बच गए हो, डायलिसिस की जरूरत आपको नहीं पड़ी जी। दही का बड़ा दिल करता कि पेट भी आग लगे, दही का बार बार दही मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। क्या परामर्श देगा पेशेंट कराते हैं कुछ इनका डाइट में जी? बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, पहले से स्वास्थ्य है, फिजिकली बेटर है, और कुछ चल के भी है, क्रिएटिनिन लेवल भी इनका रिड्यूस हुआ जी बिल्कुल। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप किडनी पेशेंट्स को जो इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं? मैं तो कहूंगा जी सभी जो जितने जूझ रहे हैं एक बारी यहाँ पे जरूर आए, और डॉक्टर पुनीत धवन जी को जरूर मिले आप, बहुत फर्क पड़ेगा। हम लोग तो दूर दूर से ही आते हैं। हाँ जी, हम लोग तो फिर भी दिल्ली से हैं, बल्कि बाहर मैं तो ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में भी कहूंगा कि जिसे ऐसी कोई है दिक्कत आप जरूर एक बारी आए। एक मेरी सिस्टर है जी, उनको भी नंबर आपका मैंने दिया है, वो भी उनके कोई पड़ोसी हैं, वो डायलिसिस पे हैं, वो आज ही बात हो रही थी, तो वो भी मैंने आपका नंबर उन्हें किया सेंड कर दिया है, वो भी शायद बातचीत करेंगे आज या कल में, वो भी कर लेंगे।
तो बाकी बेटर है जी यहाँ पे, अच्छा लगा है आपकी मेडिसिन से, बहुत अच्छा फ़र्क है, रिलीफ है, बाकी आस्ता आस्ता तो और हो जाएंगे। अभी तो काफी फर्क है, डायलिसिस से बाहर आ गए हैं जी, प्रेग्नेंट का जो प्रोटोकॉल है वो रिड्यूस हो गया है, पहले से 15 दिन को और भी चेंजेस नजर आएंगे जी, तो लग के बस फॉलो कराना है जी, बिल्कुल किडनीज तो बिल्कुल इनकी पहले की तरह हो जाएंगी, लेकिन लग के फॉलो कीजिए जी जी डॉक्टर साहब। स्टॉप किडनी डायलिसिस।